हेलो दोस्तों, आज हम वीबे पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे। वीबे में इंटरव्यू के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में, कि कौन सा ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली वीबे के इंटरव्यू में पूछा जाता है। मुझे काफ़ी मेल्स आई हैं एंड मेरे को ये मैसेजेस आए हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस का रिजॉल्व करके डालिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है स्वैपिंग। अगर दो सेल्स के अंदर वैल्यू पड़ी है, मान लीजिए A1 के अंदर वैल्यू 45 पड़ी है और 92 वैल्यू पड़ी है B1 के अंदर, तो VBA में एक प्रोग्राम बनाइए या VBA के हेल्प से या मैक्रो की हेल्प से दोनों की वैल्यू को स्वैप कीजिए, यानी कि 92 यहाँ पर आ जाए और 42 यहाँ पर आ जाए VBA के प्रोग्राम को रन करने पे। तो या तो आप मैक्रो बना लीजिए इसका, या फिर आपसे कहा जाता है कि आप एक एक्शन बटन बनाइए जिसको दबाने पे ये स्वैप वैल्यूज़ हों। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से करके बता दूंगा कि कैसे किया जाता है आपका स्वैपिंग किसी भी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम एक एक्शन बटन के थ्रू स्वैप करने का तरीका सीखते हैं, उसके बाद मैक्रो अगर बनाना होगा तो मैक्रो का भी मैं आपको बता देता हूँ दोनों तरीक़ों से। तो पहले मैं अपना इंसर्ट कर लेता हूँ एक बटन, यहाँ से आप डेवलपर में टूल्स जो आपका है डेवलपर बार उसमें आइए, यहाँ से इंसर्ट के अंदर आइएगा। तो यहाँ पे एक आपका एक्टिव एक्स कंट्रोल में कमांड बटन होता है, क्लिक करिएगा आप इसे। यहाँ पे आप जहाँ पे भी इस बटन को जनरेट करना चाहते हैं ड्रैग करके बना लीजिए, कमांड बटन आ जाएगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और व्यू कोड में जाएंगे, वो प्रॉपर्टीज़ आपको इस बटन की प्रॉपर्टीज़ में ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्वैपिंग की कोडिंग लिखनी है कि कैसे आप बटन को रन जैसे ही प्रेस करें तो वो दोनों ही वैल्यू को स्वैप कर दे, मींस पहले की जगह दूसरी वैल्यू डाल दे और दूसरी की जगह पहली वैल्यू डाल दे। तो कमांड लिखना शुरू करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके के प्रोग्राम जब भी आते हैं आपको बनाने के लिए तो आपको एक इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ती है, मीन्स एक एडिशनल कॉलम कह लीजिए, एक वैल्यू ब्लैंक लेनी पड़ती है जिसके अंदर आप वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ डेम आई, मैंने एक ले लिया है और इसका कैरेक्टर जो है आपका टाइप जो है वैल्यू रखना है वो मैंने लॉन्ग ले लिया। आप लॉन्ग की जगह कुछ और लेना चाहते हैं तो कुछ और ले सकते हैं, या मैं डबल ले सकते हैं, या जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आपकी वैल्यू के हिसाब से वो ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, आई को डिफ़ाइन कर देता हूँ, आई जो मैंने ली है वैल्यू उसको मैंने डिफ़ाइन करना शुरू करा, इक्वल्स टू रेंज ब्रैकेट स्टार्ट कोट्स के अंदर A1 की जो वैल्यू है वो आई हो जाए, मतलब आई की वैल्यू जो है अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो A1 में यानी 45 वैल्यू है तो वो जो है आपकी आई वैल्यू हो जाए, मींस 45 हो जाए आई। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, सेकेंड जो है वैल्यू आपकी यानी 92, इसके लिए कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने क्योंकि एक ही कैरेक्टर लिया तो हमने एक बार वैल्यू ले ली है उसके अंदर डिफाइन कर ली है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं A1 की जगह B1 की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रेंज ब्रैकेट स्टार्ट A1 क्लोज सेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रेंज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर B1 वैल्यू, तो ये आपने डिफाइन कर लिया है। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ कि क्योंकि आपने आई में वैल्यू ले ली है 45, तो आप इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि आपकी जो A1 की वैल्यू है वो क्या हो जाए B1 की वैल्यू, मीन्स यहाँ पे 92 आ जाए इस लाइन से, ये जो आपने लाइन लिखी है। नेक्स्ट जब B1 आ जाए, क्योंकि अब आप कहेंगे कि 45 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमने 45 को पहले ही आई में ले लिया है वैल्यू तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब भी वो कोडिंग रन करेगा तो 45 वैल्यू ले लेगा। अब हम क्या करते हैं, B1 में क्योंकि हमें स्वैप करनी है, ये 45 जो वैल्यू थी वो B1 में वापस चाहिए, तो उसके लिए हम सेम कोडिंग लिखेंगे कि रेंज
इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी वन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आई, जो हमने ऊपर आई को ही वैल्यू डिफाइन कर दी, मीन 45 जो है आपका वो वैल्यू आ जाए। अब इस पूरी कोडिंग को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मैंने एक आई करेक्ट वैल्यू लिया है आपका, इसके अंदर डिफाइन करा है, उसे लॉन्ग करेक्ट डेटा टाइप दिया है। आई के अंदर मैंने वैल्यू जो ली है वो रेंज वन वाली ले ली, मीन्स जो ए वन के अंदर वैल्यू होगी 45, वो मैंने आई के अंदर आई की वैल्यू को डिफाइन कर दिया उससे, और बी वन की जो वैल्यू है वो मैंने आई में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि रेंज वन ए वन वैल्यू इक्वल्स टू रेंज बी वन वैल्यू को डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो मैंने आई की वैल्यू डिफाइन करी थी वो मैंने बी वन में डिफाइन कर दी, मीन जो 45 मैंने आई पे डिफाइन करा था वो वापस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इस बटन की कोडिंग टाइप कर दी है इसके अंदर कि इस तरीके से ये काम करे। इसे बंद करते हैं और बटन पे एक्शन लेते हैं। आपने अभी डिफाइन डिज़ाइन करा है, डिज़ाइन जैसे ही मोड को आप ख़त्म करेंगे आपका एक्शन तैयार हो जाएगा। अब देख जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि अभी कोडिंग रन कर गई 95 वापस ए वन में 92 आ गया और 45 जो है बी टू में आ गया। अगर दोबारा से जैसे ही इस बटन को रन करेंगे तो दोबारा से स्वैप हो जाएंगी, ये देखिए। तो ये क्या कर रहा है, आपकी दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर रहा है उस कोडिंग की वजह से। अब क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्शन कमांड बटन के थ्रू कर सकते हैं, अगर कभी कहा जाता है कि आपको सिर्फ मैक्रो के बनाना है उसका कोई कमांड बटन के नहीं, तो आप यहाँ पे सिंपल प्राइवेट सब की जगह सब कमांड यूज़ करें एंड यहाँ पे आप कोई भी डिफ़ाइन कर दें ए बी सी जो भी आपको डिफ़ाइन करना है, और सेम टू सेम ये कोडिंग ऐसे ही रहेगी। जैसे ही आप उसको मैक्रो को रन करेंगे वो वापस आपको स्वैप करके वैल्यू दे देगा जो आपने ली हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछा जाता है VBA के अंदर, कि कैसे आप बिना कमांड का या कीबोर्ड या माउस का यूज़ करे वैल्यू को स्वैप करते हैं मैक्रो की हेल्प से या VBA की कोडिंग की हेल्प से। तो होप आपको ये समझ में आई होगी कि कैसे आप स्विच कर सकते हैं वैल्यूज़ को किसी भी दो सेल्स को। तो हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी VBA की कोडिंग से रिलेटेड पार्ट्स डालता रहूँ इसके अंदर और आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।